आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि फूड कैंस जो होते हैं वो टिन की प्लेटिंग उसमें क्यों की जाती है इंस्टेड ऑफ जिंक की प्लेटिंग, हालांकि जिंक जो होता है वो ज्यादा सस्ता है टिन की तुलना। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा मेटल एक्टिविटी सीरीज। मेटल एक्टिविटी सीरीज हमें ये बताता है कि कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, दैट इज कौन सा मेटल ज्यादा आइटम्स के साथ रिएक्ट कर सकता है इन कंपैरिजन टू अदर। अगर हम बात करते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज की, तो सबसे ऊपर आपका पोटेशियम होता है, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन टिन, देन आपका लेड, उसके बाद हाइड्रोजन आता है, उसके बाद कॉपर, मर्करी, देन आपका सिल्वर, देन आपका गोल्ड और एट लास्ट में प्लैटिनम आता है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि मेटल की रिएक्टिविटी घटती जाती है। अगर हम ध्यान दें जिंक और टिन की, तो ये आपका टिन है और ये आपका जिंक है। टिन जो है वो जिंक के नीचे है, तो हम कह सकते हैं कि टिन जो है वो आपका लेस रिएक्टिव है किसकी तुलना, जिंक की तुलना। तो होता क्या है, टिन जो होता है वो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता नेचुरल एसिड्स और बेसिस के साथ, जबकि जिंक जो होता है वो आपके यहाँ तक कि टोमेटो के साथ भी रिएक्ट करके उसको अनफिट बना देता है। सो हम यहाँ पे आसानी के साथ कह सकते हैं सिंस जो आपका टिन है जिसको हम एसेंस दिखाते हैं वो लेस रिएक्टिव है देन जिंक, इसके वजह से होता क्या है कि इसके अंदर जो फूड आइटम पैक्ड होते हैं वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर रिएक्ट भी करता है तो केवल स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। जहाँ की जिंक की बात करें तो जिंक जो होता है वो आपके टोमेटो लिक्विड के साथ भी रिएक्ट करके उसको अनफिट बना देता है। तो हम ये कह सकते हैं रिएक्टिविटी जितनी कम होगी फूड मटेरियल्स के साथ या फूड आइटम्स के साथ, उतना ही फूड आइटम्स जो होगा वो हमारे लिए सिक्योर रहेगा। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।